बसमीम्अल डियर स्टूडेंट्स हाउ आर यू उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ पर तोजा दे रहे होंगे टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द यूज़ ऑफ वर्ब पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ये ग्रामर एंड कम्पोजिशन नाइन्थ एंड टेंथ की ग्रामर एंड कम्पोजिशन की बुक में होते हैं पंजाब टेक्सट बुक बोर्ड की ये बुक है उसमें एक्सरसाइज़ हैं पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ये नाइन्थ और टेंथ के पेपर में आता है ऑब्जेक्टिव में नाइन्थ का फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और टेंथ का ये सेकंड क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव का पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वो होता है टेक द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एम के तौर पर आता है हम इसे जो ना ये सिक्स एक्सरसाइजेज हैं टोटल तो उसमें से फर्स्ट एक्सरसाइज आज मैं जो है ना आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ इस बताने जा रहा हूँ इसमें पहली है देखें पुट स्टेटमेंट क्या है पुट द वर्ब्स इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनट आर प्रेजेंट टेंस ये मोस्टली जो है एक्सरसाइज ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक पर न्यू बुक के हिसाब से 164 पेज है 164 पेज पर आती है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड फर्स्ट है एक्सरसाइज प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस और प्रेजेंट टेंस के लिहाज से हमने इसको टिक फॉर्म ऑफ वर्ब को पुट करना है जैसे है शी डैश हर कैट वेरी मच तो अब आगे व, आ, उसने जो है वर्ब दी हुई है लव तो अब हमने उसकी नेचर के लिहाज से ये इंसान की रूटीन और नेचर के लिहाज से शो करता है तो इसको यहाँ पर आएगा शी लव्स हर कैट वेरी मच एवरीडे दे, डेली ये चीज़ें आती हैं तो फिर हम जो है ना वहाँ पर सेकेंड सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस लगाते हैं सेकेंड सेंटेंस है ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे ही गोज़ गो की जगह के साथ यस आ जाएगा गोज़ टू स्कूल एवरी डे इट इज़ एट प्रेजेंट और नाउ का लफ्ज़ जहाँ पर आएगा जहाँ पर एट प्रेजेंट और नाउ का लफ्ज़ आएगा वहाँ पर हम जो है हम ये प्रेजेंट प्रजेंट टेंस इस्तेमाल करेंगे इट इज़ रेनिंग एट प्रजेंट इट इज़ रेनिंग एट प्रजेंट फोर्थ है दे टेक टी एवरी मॉर्निंग पहले यहाँ पर होता था ड्रिंक अब ड्रिंक की जगह जब वर्ब चेंज हो गया टेक है दे टेक टी एवरी मॉर्निंग गुड स्टूडेंट्स इसका मतलब ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जैसे लगी है उसी तरह लगाएंगे गुड स्टूडेंट्स प्लूरल है तो इसलिए जो है ना ये भी ऑलवेज वर्क हार्ड स्टूडेंट्स गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज वर्क हार्ड सिक्स है द अर्थ रिवॉल्व आदत है ना उसकी रूटीन है आ, अर्थ के तो इसलिए जो है रिवॉल्व ऐसा आएगा रिवॉल्व अराउंड द सन शी इज़ लर्निंग फ्रेंच एट प्रेजेंट ये कैसे आया है एट प्रेजेंट आ गया तो इसलिए जो है प्रेजेंट कॉन्सटेंस इस्तेमाल करेंगे दे डू नाट डू दे डू नाट डू देयर वर्क रेगुलरली दे डू नाट डू देयर वर्क रेगुलरली है शाहिदा, शाहिदा इज सिंगिंग आ सैड सॉन्ग टू डे शाहिदा इज सिंगिंग आ सैड सॉन्ग टू डे देज़ कम बैक होम लेट दे ऑलवेज कम बैक होम लेट शी स्पीक्स नहीं आएगा बल्कि शी इज स्पीकिंग नाओ आ गया ना गौर करें नाव का लफ्ज आने की वजह से एट प्रेजेंट और नाव प्रेजेंट कॉन्टेंसटेंस को शो करते हैं शी शी इज स्पीकिंग इंग्लिश नाव शी इज स्पीकिंग इंग्लिश नाव फिर नेक्स्ट है शी स्पीक्स इंग्लिश क्वाइट वेल यानी कि यह उसकी आदत है कि अच्छी इंग्लिश बोलना शी शी स्पीक इंग्लिश क्वाइट वेल फिर आए द बेबी इज़ क्राइंग फॉर मिल्क नाओ यहाँ पर नाव बुक में है लिखा हुआ नाओ द बेबी इज क्राइंग फॉर मिल्क नाव नाव की वजह से दे गो टू स्लीप एट टेन ही डज नॉट कीप मी वेटिंग अच्छा ये बोर्ड में जो है गेटअप के ल, आ, वब दिए उसने जो ना बोर्ड में यहाँ पर ही डज नॉट कीप मी वेटिंग ये आंसर्स भी साथ दिए हुए हैं इसके बाद है एम सी की एक्सरसाइज को सॉल्व किया गया है एम सी की देखें एक्सरसाइज वन ही को दोबारा रिपीट किया जैसे वो एग्जांपल दे, दे सकता है किस तरह है शी लव्स हर कैट वेरी मच ही Goes to school every day. It is raining at present. They take tea every morning. They take tea every morning. Good students always work hard. The earth revolves around the sun. She is learning French at present. She is learning French. At present, they do not do their work regularly. They do not do their work regularly. Pire, Shahida is singing a sad song today. Shahida is singing a sad song today. Pire, they always come back home late. वो ऑलवेज कम बैक होम लेट फिर है इज स्पीकिंग इंग्लिश नाउ नाउ आ गया तो उसके बेस पर शी स्पीक्स इंग्लिश क्वाइट वेल शी स्पीक्स इंग्लिश क्वाइट वेल द बेबी इज crying for milk now the baby is crying for milk now they go to sleep at 10 he does not keep me waiting he does not keep me waiting उम्मीद है कि आपको एक्सरसाइज समझ आ गई होगी और आप इसको अच्छी तरह लर्न करेंगे प्रूव करेंगे और मेरे ज़रूर जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आईकॉन के बटन को भी दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे मेहनत करते रहें ताकि अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें कोशिश करते रहें इम्प्रूव अपने अपने स्टडीज़ में इम्प्रूवमेंट लाने की अपनी लर्निंग को बेहतर करने की ओके हैव नाइस डे अल्लाह हाफिज़ गुड बाय